हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आज का डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सेपरेट कर लेते हैं इसका जो वेरिएबल है अलग अलग। तो ये हो गया x इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये x स्क्वायर वाला टर्म रूट अंडर में जो है इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डी एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में है इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाय रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग कुछ पुट कर लेते हैं, पुट नहीं भी करेंगे डायरेक्ट हम लोग भी कर सकते हैं बट पुट कर लेते हैं। तो ये अगर हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये हो जाएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लोग वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर पुट कर लेते हैं, हमें जैसे यू पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। अब हम लोग इन सब का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं माइनस टू एक्स है तो यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो माइनस टू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज माइनस वन बाय टू, और इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स बाय रूट अंडर। अब इसका वैल्यू हम लोगों ने टी पुट किया तो ये हो गया टी, और इसका वैल्यू डी टी के इक्वल है तो इसको हम लोग डी टी यहाँ भी लिख सकते हैं बट अगले टर्म में लिख देंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पुराना है, डी यू के टर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस टू वाई डी वाई है और वाई डी वाई है, तो हम लोगों को सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करना है, तो टू से डिवाइड भी करेंगे और ये टू से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया डी वाई बाय, और इसका वैल्यू हम लोग यू के बराबर पुट किए हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम लोगों को माइनस वन बाय टू, और ये वैल्यू है डी टी के इक्वल, तो ये हो गया डी टी बाय रूट अंडर टी इज इक्वल टू वन बाय टू, और ये वैल्यू फिर यहाँ पे हम लोगों को डी यू के इक्वल है और ये हो गया रूट अंडर यू। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म था तो इसलिए इसको बाहर कर लिया, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टू रूट टी। इसको हम लोग और लेंदी प्रोसेस से कर देते हैं जैसे कि समझने में आसानी होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, ये रूट का पावर हाफ और ऊपर किए तो ये पावर माइनस में हो गया इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ हाफ इसको कर लेते हैं यू टू दी पावर माइनस हाफ डी यू। हम लोगों को यहाँ पे आ गया था हाफ इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर माइनस हाफ डी टी इज इक्वल टू वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ यू टू दी पावर वन बाय टू डी यू। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसी तरह से ये हो जाएगा यू टू दी पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय यू टू दी पावर यहाँ पर माइनस हाफ प्लस वन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट टर्म सी आ गया मान लिए, तो यहाँ पे ये हो गया हाफ, और ये हो जाएगा यहाँ पे भी ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर वन बाय टू बाय वन बाय टू, इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस सी इज इक्वल टू वन बाय टू, और ये भी हो जाएगा यू टू दी पावर वन बाय टू बाय वन बाय टू।
प्लस सी, ये सी सी एक साइड कर लेते हैं तो कुछ और अदर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो इसको हम लोग के मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और ये वन बाई टू है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, और इसको हम लोग फिर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सी को हम लोग इस साइड कर लेते हैं या किसी साइड कर लेते हैं, दूसरा दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर टू यू टू द पावर हाफ को हम लोग रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म मान लिया के। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो सेम कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगा सी सी, इसको हम लोग कुछ और भी मान सकते हैं, ये के भी हो सकता है, हो सकता है कुछ और आ जाए, तो हम लोगों ने कुछ मान लिया ये कांस्टेंट टर्म के आ जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हम लोगों को माइनस रूट टी इज इक्वल टू रूट यू, तो इन सबका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसको फिर हम लोग लिख देते हैं माइनस रूट अंडर टी का वैल्यू हम लोगों ने वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर रखा था और यू का वैल्यू वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं, प्लस के है तो ये हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।